Hey guys, good morning and welcome back to your vlog. आज चंद्रशेखर आजाद का रोल प्ले करेगा वत्सल, तो ये अभी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा है और निकलने की तैयारी में है। सिमिलरली संस्कृति भी अपने पराठे को खाती हुई और ये भी अपना ब्रेकफास्ट करके जाएगी संस्कृति। इनकी क्लास चलेगी नॉर्मल और थोड़ी देर के लिए वत्सल का रहेगा प्रोग्राम, फंक्शन बच्चों का चलता रहता है, तो अभी चल रही है इनकी तैयारी। तो गाइज आज बस छूट गई है इनकी और बहुत कोशिश की लेकिन बस नहीं आई हाथ में। बहुत भागम भाग करके आए थे, संस्कृति तो पहले चली गई थी भाग के पकड़ने के लिए, लेकिन बस इतनी बड़ी थी गाइज कि पकड़ ही नहीं पाई। और छोरा मेरा चंद्रशेखर आजाद बना है, आज इसका प्ले है, तो इसके चक्कर में ज्यादा टाइम हुआ है। आज इसको ना डेकोरेट करने में मम्मी ने अच्छा खासा टाइम लिया है और फिलहाल अच्छा जी हाँ मैंने नहीं किया गाइज, देखो कितना बोलता है। तो अभी हम चल पड़े हैं, स्कूल छोड़ के आऊँगा डायरेक्टली, बस तो इनकी स्किप हो गई आज। और फिलहाल जो है हम बस निकल चुके हैं घर से और रास्ते में ही है तो पहुँचने वाले हैं, और अगर रास्ते में बस मिल गई तो इन्हें पकड़ा दूंगा बस को। बच्चे की मन की इच्छा नहीं है वैसे, मैं देखता हूँ ठीक है। तो गाइज स्कूल पे इनको छोड़ रहा हूँ, इनके स्कूल पे ड्रॉप करता हूँ। बस तो अभी आई नहीं है लेकिन बच्चों को मैंने पहले ही छोड़ दिया है। चलो आराम से आराम से। वत्सल गेट बंद कर, मैं इधर से बात पकड़ा दूँ। गेट बंद कर, अरे अपना बंद कर। ये लो बैग, बैग ले लो बेटा, बैग लो। अरे वत्सल इधर आओ, बैग ले लो, बैग लो, जल्दी 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 बैग दो। संसु आप ही उतरो, मुझे यू टर्न मार के निकलना होगा। बाय बाय बाय। तो गाइस बच्चे तो छोड़ दिए हैं और आज इनकी इच्छा थी कि पापा हमें गाड़ी से छोड़ दें, तो मैंने गाड़ी से छोड़ दिया है। खुश होकर जा रहे हैं दोनों बच्चे। फिलहाल मैं चल पड़ा हूँ, अब हम चलेंगे घर की तरफ। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गया हूँ और बच्चों ने तो मतलब क्या करूँ, उनकी इच्छा थी कि स्कूल में छोड़ दो पापा, तो मैंने आज छोड़ दिया है। फिलहाल जो है कोको को भी घुमा दिया है आने के बाद, और शांत प्राणी मेरा, बहुत ही अच्छा प्यारा प्राणी। तो फिलहाल जो है घर में देख लेते हैं, कुछ काम चल रहे हैं। मुस्कान अभी नहीं आ पाई है किसी वजह से, और राधिका यहाँ पर काम नहीं कर रही है, राधिका इधर है कुछ काम कर रही है, बात कर रही है। तो गाइज यहाँ पे ना सारे बिलों में से हमने पहले बिल ढूंढा है, अच्छे से बिल ढूंढा है, बिल तो हमें मिल गया लेकिन ये एक्सपायर हो गया एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब क्या है राधिका? दो तीन महीने पहले। हाँ, हमारे जितने भी उपकरण हैं वो जब फूकते हैं या खराब होते हैं, वो जब फूकते हैं कई बार तो ऐसा होता है आज लास्ट डेट है और आज रात के 12 बजे के बाद वो फूक जाना है, तो मतलब इतनी अति हो रही है। फेंक दो जो भी है फालतू फेंक दो। तो बहुत सारे जो बिल हैं इस तरह से रखे हुए हैं, सब एक्सपायर हो गए, तो ये फिलहाल जो है राधिका ने फेंक दिए निकाल के। और अभी हम लोग जो है नाश्ता वास्ता करेंगे, नाश्ते का टाइम हो चला है और फिर मैं भी बस नहाऊंगा धोऊंगा। पूरा पाती हो गया। हाँ बेटा क्या हुआ? पापा देखो वो जा रहा काला, आप गया हो तो आप मुझे जल्दी घुमा के ले आते हो। बेटा कोई बात नहीं, तुझे घुमा तो लाया मैं, और कैसे घुमा के लाऊंगा? अब किसी के जाने के बाद भी तुम्हें आपत्ति है क्यों? हमें उसे मिलना था ना, हम मिलना चाह रहे थे, बहुत दिन हो गए, हमें एक बार भी दर्शन नहीं मिले उसके। बेटा तू तो गूगल के भी ऊपर लेट पेट चला गया था, तो जाने दे कोई बात नहीं। तो गाइज मौसम तो ऐसा ही है, कल से बना हुआ है, ठना हुआ है, लेकिन कोई बारिश की एक बूंद तक नहीं है और थोड़ी सी हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है। डॉगी जो मेरा है ये मस्त मॉल में घूम रहा है यहाँ पे। हाँ हम तो मस्ती में घूमते रहे, हमें कहानी क्या है, हमें बैंड बाजा बारात का बिजनेस करवा दो, उसे बजाते रहेंगे हम। कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है, इतना बोलना किसने बताया तुझे? हमने आपसे सीखा है पापा जी। हाँ कभी हमें सोच रहे हो कि पापा कुछ कहेंगे नहीं, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। तो गाइस 9 बजने वाले हैं और अभी देखो मैं तो ऑफिस से आया हूँ और ये देखिए लड़के को पसीने पसीने हो रहे, नीचे से खेल के आया, पूरा टॉवल से निचोड़ के निकाला पसीना इसके में से, पता है मुझसे बात नहीं। हाँ ठीक है। ये मम्मी पता नहीं कौन सी खुशबू लाई है यहाँ पे, सारे में खुशबू खुशबू कर दी है। और यहाँ संस्कृति जो है भारत के नक्शे पढ़ रही है और पता नहीं क्या पढ़े जा रही है। कल तुम्हारा शो है, क्या करोगी तुम उसमें? एंकरिंग करूंगी। एंकरिंग करोगी? हाँ। उसमें तुम्हें कुछ मिलता भी है, लड्डू मिलते होंगे तो? कुछ बेस्ट एंकर का भी अवार्ड होता है? बेस्ट एंकर का कभी नहीं होता होगा, होता है पर वो कंपटीशन होता है, बेस्ट स्पीकर का होता है। उसमें पार्टिसिपेट किया करना बेटा, तो अभी साल तो तुम किसी भी फंक्शन में करो होता, ठीक है ये लास्ट है तो ये लास्ट ही है। नहीं लेट मी थिंक, क्या लेट मी थिंक ये लास्ट है कि नहीं है,
तुम्हारे कहने से नहीं चलेगी बेटा, अब तुम्हें 6 मंथ। तो गाइस 10th के बोर्ड आने वाले हैं, फरवरी में हो सकते हैं एग्जाम, या जनवरी मार्च में भी हो सकते हैं, मार्च या फरवरी में भी हो सकते हैं एग्जाम। तो बच्चे को पहले से ही करना पड़ेगा रिविजन तमाम, और अगर रिविजन नहीं करेगा तो बच्चा कमजोर रह जाएगा। और ये इधर उधर के फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती रहती है डेली, मैं इसे कभी नहीं रोकता, बट इस बार मैं कह रहा हूँ कि भाई इस बार छोड़ दो प्लीज, अगली बार से कर लेना। और राधिका भी इस बात से खंडन नहीं कर रही है, बिल्कुल कह रही है कि हाँ इस साल छोड़ दो, 11th में सारे पार्टिसिपेट कर लेना। लेकिन राधिका को फीवर आ गया गाइस, 100.5 तो फीवर चल रहा है, दवाई लेके गई है मैडम। और इनकी तबीयत थोड़ी सी डाउन मुझे लग रही है, क्योंकि जब मेरी तबीयत डाउन होती है तो इनकी भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। क्या हुआ दिखाना मुझे, बड़ा सही में बड़ा मैं हल्का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है तेरा, बहुत दुख लगता है मुझे जब तुझे कुछ बीमारी सी आ जाती है, सही में यार बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे सुन सुन के ही, मैं बड़ा गड्ढे से मैं गिर जाता हूँ। पैसे भी, और मेरा पैसे से बड़ी होती है परेशानी जो तुम्हें भी उठानी पड़ेगी और मुझे भी कहीं ना कहीं। हाँ और बेटा ऐसे नहीं करते हैं, मम्मी की तबीयत खराब है तो थोड़ी बात सुन लिया कर, फोन के पीछे मत पड़ो ठीक है, राधिका फोन मत देना प्लीज। मैं ही अच्छा हूँ, मैं फोन वोन कुछ नहीं लेता हूँ, मैं दीदी के रूम में जा रहा हूँ। दीदी दीदी के रूम में आने की जरूरत है नहीं, गलती से मैं तो आऊंगा, पक्का आऊंगा, मैं तो आके रहूंगा, मुझे चला जाता हूँ। मम्मी पता नहीं क्या खुशबू, मम्मी पता नहीं कौन सी खुशबू लाई है लगा के पैरों में, मम्मी क्या खुशबू लाई हो पैरों में लगा के, पूरे घर में स्मेल सी कर दिया आपने, मैं सारे में सुनता फिर रहा हूँ, इतना मेरे बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ा दिया मेरे ऊपर आप लोगों ने। अच्छा बेटा कोको अंदर आ जा, एसी चल रहा है बेटा, आ जा एसी चल रहा है, आओ आओ चलो चलो अंदर अंदर चलो, आ जा अंदर आ जा, एसी चल रहा है, मैं गेट बंद कर देता हूँ बेटा, ये लो मैंने गेट बंद कर दिया। माँ को पीटने का प्लान तो ना? नहीं बेटा नहीं, बस बैठ जा। तो गाइस दाल तो वाइफ ने उबाल रखी है, मुझे बस तड़का मारना है और बाकी काम वो करेगी, क्योंकि उसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, उसको फीवर आया हुआ है 100 and 100 and 100 and point something something। तो फिलहाल दाल जो है तड़का मैं मारूंगा और मेरे हाथ का खा लेना भाई आप लोग प्लीज़, संस्कृति मैं तड़का मार रहा हूँ प्लीज़ खा लेना। क्यों तो जाके मार तड़का, मार मार मार, मेरे तो दो बातें काफी है तड़का बनाने। हाँ तुम्हें तुम्हारा तो मुंह ही देख के तड़का इतना जबरदस्त हो जाएगा जिसकी कोई बात ही नहीं है। भैया आज तो भगवान बचावे, दीदी बना रही है दाल का तड़का मार के टेस्टी टेस्टी, मुंह को लू ना समझ मारी कि मैं खा पाऊंगा कि ना खा पाऊंगा, इतना अत्याचार मत करवाओ पापा, तुम ही बना दो। कह रहा हूँ वत्सल भी कह रहा है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है ना, क्या करें बेटा। तो जाओ बनाओ फिर, देर मत लगाओ, नहीं तो मैं बना रहा हूँ। बच्चों की ना गाइस चल रही है, अब मुझे दाल नहीं बनाने दे रही है, अब ना बनाएगी ना बनाने दे रही है, देखो कितना आलस्य आ गया, आलस्य आलस आ रहा है, पर मुझे आपके हाथ की नहीं खानी, अब मैं क्या करूँ। तो देखो मैं बना रहा हूँ फिर, खा लेना प्लीज, झिंगुर से मुंह की मत बनो ठीक है। और मेरी उससे पूरी दुनिया को करेंगे परेशान, पर इनमें कट नहीं मारा है, ये बड़ी गलती कर दी आपने, और इनको धसकना है कि तोलिया तोलिया और बाकी सब दुनिया जाए भाड़ में देख रहे हो, और पूरे घर में हो गया अभी तक, मुझे लग रहा है हाथ का फैन चला देने से। यहाँ तक ये मेरी अपनी ही वीडियो एक्सरसाइज की वीडियो, तो अभी हम मेरे को आ रहा फीवर, इसलिए हस्बैंड बना रहे खाना, और फीवर की वजह से ना मतलब लग रहा है कि जान ही निकल जाएगी शरीर की, इस तरह से मुझे फील हो रहा है।